हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। देखिए, मुझे काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे कोई वीडियो लेकर आइए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत पॉपुलर और इफेक्टिव इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से ट्रेड ले सकते हो और नॉर्मली जिस तरह से लोग ट्रेड करते हैं, आप उसको और इफेक्टिवली किस तरह से बना सकते हो, उसमें क्या मॉडिफिकेशन ऐड कर सकते हो, ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है। तो ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और ये है निफ्टी का चार्ट, और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये स्ट्रेटजी क्या है और आपको इसको किस तरह से ट्रेड करना है। तो देखिए, यहां पे वन डे टाइम फ्रेम लगा है, तो आपको टाइम फ्रेम लेना है 15 मिनट का, क्योंकि ये एक इंट्राडे स्ट्रेटजी है, तो हम छोटे टाइम फ्रेम में काम करेंगे, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करेंगे। तो देखिए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको लगा देना है। अब आपको क्या करना है, हर एक दिन का जब मार्केट ओपन होता है सुबह, उस टाइम पे 15 मिनट का जो कैंडल बनता है, तब आप वेट कीजिए 15 मिनट के कैंडल के पूरा होने का। 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, तो 9:30 बजे तक आप वेट कीजिए, और 9:30 पे जब पहला 15 मिनट का कैंडल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो पहला 15 मिनट का कैंडल है उसके हाई और लो दोनों ड्रॉ कर देने हैं, वो लेवल्स आपको मार्क कर देने हैं। तो मैं आपको करके दिखा देता हूं। देखिए, 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है आज, और मार्केट ने हाई कितना बनाया है फर्स्ट 15 मिनट में, 17989 का हाई बनाया है, और लो कितना है 17952 का। ये शुरू के 15 मिनट की जो कैंडल है उसकी रेंज है, ये उसके हाई और लो हैं। तो ये आपको मार्क कर लेने, मैं इसको बड़ा कर देता हूं। तो देखिए, यहां मैं मार्क कर देता हूं, जो 15 मिनट की कैंडल का हाई है वो मैंने मार्क कर दिया, और नीचे जो 15 मिनट की कैंडल का लो है वो भी मैंने मार्क कर दिया। तो अब आप देखिए, ये मेरी रेंज आ गई है शुरू के 15 मिनट की। तो अब आपको क्या करना है, जैसे इस रेंज के बाहर निफ्टी जाए ऊपर या नीचे किसी भी तरफ, उसी तरफ आपको बाई या सेल करना है। जैसे ये रेंज है, यहाँ पे निफ्टी ने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया है, तो नीचे जैसे निफ्टी ने इस रेंज को तोड़ा है, तो यहाँ पे आपको सेल कर देना है, और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पे आप किस लेवल पे सेल करोगे, आप सेल करोगे 17952 पे, और किस स्टॉप लॉस के साथ सेल करोगे, 17989 के स्टॉप लॉस के साथ आप सेल करोगे। तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस कितना है, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 37 पॉइंट का मैक्सिमम लॉस हो सकता है, तो इस स्टॉप लॉस के साथ, और यहाँ पे आप निफ्टी को सेल कर दोगे। उसी तरह से अगर निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेक देता है, तो आपको निफ्टी को बाय करना है, और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा उस केस में, जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का लो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो इस तरह से आपको इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करना है। देखिए, यहाँ पे निफ्टी ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया है, उसके बाद यहाँ पे आपने सेल किया इस स्टॉप लॉस के साथ, और उसके बाद आप देखिए निफ्टी पूरा नीचे गया है। इसी तरह से अगर मैं पिछले दिन का देखूं, तो ये फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल है, इसका हाई और लो मैं मार्क कर देता हूं, ये निफ्टी का लो है फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का, और ये यहां पे हाई है। तो यहाँ पे आप देखिए निफ्टी ने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दिया है। जैसे निफ्टी शुरू के 15 मिनट के कैंडल के लो को ब्रेक करेगा, यहाँ पे मैं सेल कर दूंगा, और मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का जो हाई है वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पे आप देखिए ब्रेकडाउन दिया निफ्टी ने, लेकिन उसके बाद निफ्टी वापस ऊपर जाता है, और यहाँ पे देखिए शुरू के 15 मिनट में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। उसी तरह से मैं पिछले दिन का अगर देखूं, तो यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल ये है, और इसका मैं लो और हाई मार्क कर देता हूं। ये देखिए, मैंने इसका लो और हाई दोनों मार्क कर दिए हैं। अब आप देखिए निफ्टी का अगला जो 15 मिनट का कैंडल है, उसी में निफ्टी ने ऊपर की तरफ ब्रीच कर दिया है, ये सिग्नल दे दिया है। यहाँ पे मैं निफ्टी को बाय करूंगा, इस 15 मिनट के कैंडल का जो लो है उस स्टॉप लॉस के साथ, यहाँ पे मैं निफ्टी को बाय करूंगा, और उसके बाद आप देखिए पूरे दिन निफ्टी यहां से ऊपर ही जाता है। तो इस तरह से आपको इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करना है। और इसके अंदर एक और कंडीशन है कि आपको ट्रेड 12 बजे से पहले लेना है। अगर 12 बजे तक ट्रेड ट्रिगर नहीं होता है, निफ्टी एक रेंज में रहता है 12 बजे तक, ना ऊपर की तरफ कोई सिग्नल देता है, ना नीचे की तरफ सिग्नल देता है, अगर एक रेंज में रहता है, तो उस टाइम पे आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। अगर 12 बजे से पहले आपको सिग्नल मिलता है, तभी आपको ट्रेड लेना है। उसके बाद निफ्टी ऊपर या नीचे किसी तरफ सिग्नल जनरेट करता है, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो इस तरह से मेजॉरिटी जो ट्रेडर्स हैं, वो इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको वो नहीं करना है जो सभी कर रहे हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट है, ये एक जीरो सम गेम है, किसी का प्रॉफिट किसी का लॉस होता है, और किसी का लॉस किसी का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे जो दोनों एंड है वो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। एक ट्रेड है, उसमें एक बायर होता है, एक सेलर होता है। तो या तो बायर प्रॉफिटेबल होगा या सेलर प्रॉफिटेबल होगा, दोनों प्रॉफिटेबल कभी नहीं हो सकते। इसीलिए स्टॉक मार्केट
मार्केट है, ये एक जीरो सम गेम है। तो यहां पे सब जो कर रहे हैं वही अगर आप भी करोगे तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, तो आपको डिफरेंट होना पड़ेगा। तो देखिए, जो तरीका मैंने आपको बताया है इस तरीके से मेजोरिटी लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा हटके ट्रेड करना है। इसमें मैं एक मॉडिफिकेशन ऐड करूंगा जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो काफी बढ़ जाएगी। तो ये मॉडिफिकेशन क्या है वो अब मैं आपको बताता हूं, पूरे ध्यान से और फोकस के साथ देखिए। तो अब आपको क्या करना है, आप अपने चार्ट पे एटीआर को प्लॉट कर लीजिए। एटीआर क्या होता है, एवरेज ट्रू रेंज। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये ATR मैंने ऐड कर लिया है, ये होता है एवरेज ट्रू रेंज। एवरेज ट्रू रेंज क्या होता है कि निफ्टी की उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में क्या रेंज है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है और ATR क्या है 34। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 15 मिनट में निफ्टी 34 पॉइंट ऊपर या नीचे जा सकता है। ये निफ्टी का अभी ATR चल रहा है, ये बदलता रहता है। अगर मैं टाइम फ्रेम को वन डे कर दूंगा तो ATR वन डे का दिखाएगा, फिर ATR में जो निफ्टी की रेंज होगी वो पूरे दिन की होगी कि एक दिन में निफ्टी कितना ऊपर या नीचे जा सकता है। तो ATR है ये बेसिकली ये बताता है कि निफ्टी की रेंज क्या रह सकती है, निफ्टी किस रेंज में रह सकता है। तो यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल मैंने लगाई है और आप ATR को देखिए, ATR 34 है। ये कुछ भी हो सकता है, बदलता रहता है। देखिए यहाँ पे जैसे हम ट्रेड कर रहे हैं, अगर यहाँ पे मैं ले जाता हूँ तो ATR 23-24 है। तो ATR है ये बदलता रहता है टाइम के साथ। तो यहाँ पे ATR है 24, तो मैं इसको पीछे कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो मान लीजिए ATR कुछ भी है, यहाँ पे 25 शो कर रहा है। तो अब आपको क्या करना है, निफ्टी का हाई और लो है, इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ ATR को और ऐड कर देना है। उससे क्या होगा, आपके ट्रेडिंग सिग्नल है वो फिल्टर हो जाएंगे। कोई फॉल्स ब्रेकआउट आया तो वहां पे आप फंसोगे नहीं, वहां पे आप बच जाओगे। तो देखिए यहां पे निफ्टी का हाई कितना है, निफ्टी का हाई है 17882 और लो कितना है 17834। शुरू के 15 मिनट का हाई और लो ये है। तो इसमें अगर मैं 25 को और ऐड कर देता हूं जो ATR है, तो क्या हो जाएगा, 17882 में मैं 25 को और ऐड कर देता हूं तो ये आ जाएगा 17907। तो मतलब ऊपर की तरफ मैं ट्रेड कब लूंगा, जब 17907 को निफ्टी टच करेगा, उसको जब क्रॉस करेगा तब वो ब्रेकआउट होगा, वहां पे मैं बाय करूंगा। और इसी तरह से मैं नीचे की तरफ कब सेल करूंगा, देखिए 15 मिनट के कैंडल का लो कितना है 17834, 17834 में से मैं 25 को माइनस कर देता हूं तो क्या आएगा 17809। तो जब निफ्टी 17809 के नीचे जाएगा तब मैं सेल करूंगा, उससे पहले सेल नहीं करूंगा। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, 15 मिनट का जो कैंडल है उसका हाई ब्रीच होते ही वो बाय कर लेते हैं और लो ब्रीच होते ही वो सेल कर देते हैं। लेकिन ऐसे आपको नहीं करना है, आप फॉल्स ब्रेकआउट में फंस जाओगे। तो आपको क्या करना है, हाई और लो जो है 15 मिनट के कैंडल का, उसके ऊपर और नीचे ATR को और ऐड कर लेना है और उसके बाद जब वो ब्रीच होता है तब आपको कोई ट्रेड लेना है। तो इससे क्या होगा, आपको कम ट्रेडिंग सिग्नल मिलेंगे लेकिन जो ट्रेडिंग सिग्नल आपको मिलेंगे वो जेन्युइन होंगे। और देखिए सेम ऐसा ही एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, जो पिछला एग्जांपल हमने देखा था, ये आप देखिए यहां पे ये 15 मिनट का कैंडल है, इसका हाई और लो में मार्क कर देता हूं। ये फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल का हाई और लो मैंने मार्क कर दिया है। और अब आप देखिए अगला जो कैंडल था इसमें निफ्टी ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया था। अगर हम ATR को ऐड नहीं करते तो यहाँ पे मैंने निफ्टी को सेल कर दिया है और उसके बाद देखिए इसी कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो यहाँ पे अगर आपने ATR को ऐड किया है तो ये जो फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है इसने आपको बचा लिया है, यहाँ पे आपका सेल है वो ट्रिगर ही नहीं हुआ है, क्योंकि ATR को ऐड करने के बाद जो आपका लेवल था वो कभी टच ही नहीं हुआ और यहाँ से निफ्टी वापस रिवर्स हो गया। तो ये है वो स्ट्रेटजी, इसमें आपको फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल का हाई और लो मार्क करना है और उसके बाद आपको एक और मॉडिफिकेशन ऐड करना है, आपको ऊपर और नीचे ATR को और ऐड कर लेना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ही। और उसके बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आपको बाय करना है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आपको सेल करना है। और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, जो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल है उसका हाई या लो आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर आप बाय कर रहे हो तो जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा और अगर आप सेल कर रहे हो तो जो हाई है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। एक्चुअली मैं वीडियो काफी लंबा खींच देता हूं, जब मैं समझाने लग जाता हूं तो टाइम का ध्यान में नहीं रहता, मुझे काफी कमेंट आते हैं कि यार वीडियो काफी लंबा हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो को छोटा रखते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।